नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। रामनवमी के दौरान सासाराम में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी। इंटरनेट सेवा बंद होने का प्रभाव यह रहा कि मॉल एवं रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने के कारण ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों का सर्वर डाउन है, विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज से इंटरनेट सेवा फिर से बहाल की जा सकती है। यूपी में 12वीं कक्षा के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर्स हटाने पर एनसीईआरटी चीफ ने कहा है कि ये गलत है, मुगलों को नहीं हटाया गया है। दरअसल कोविड के बाद सिलेबस कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि बच्चों पर लोड कम हो सके। नालंदा और सासाराम हिंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों जगह कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से इसको कंट्रोल किया। अब दोनों जगह शांति बनी हुई है। प्रशासन की टीम घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में कौन कौन शामिल है, जल्द ही सबका खुलासा हो जाएगा। नालंदा और सासाराम की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फिल्म आदि पुरुष की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म के नए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत, प्रोड्यूसर भूषण कुमार के खिलाफ मुंबई के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में हिंदू माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स को ठीक ढंग से ना दिखाने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बिहार में हिंसा के बाद राजनीतिक जुबानी जंग छेड़ गई है। सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर इन दिनों जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता श्याम रजक ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बैठे नाजायज लोग को हटाएंगे, संविधान का मजाक उड़ाने वाले नाजायज ही कहे जाएंगे। वे जायज कैसे हो सकते हैं, शेर और सियार में अंतर होता है। बीजेपी और आरएसएस दंगा का रूप देना चाह रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि भारत राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं तथा युवाओं के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्री ने यहां एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार भगवान राम द्वारा बताए गए आदर्शों के मार्ग पर चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामनवमी पर हिंसा की घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मंगलवार को निशाना साधा। उन पर अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या पर गौर करते हुए बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों की दलील सुनने को इच्छुक है। धन न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादीवाला की एक पीठ ने कहा है कि अदालत वकीलों को हाइब्रिड मोड में पेश करने की अनुमति देने को तैयार है। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि हम आपके दलीलें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुन सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व गृह मंत्री पंडित रामानंद तिवारी की बुधवार को पुण्यतिथि मनाई गई है। पंडित रामानंद तिवारी ने देश की आजादी और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। वे लोग अलग अलग समय में करीब 8 साल तक जेल में रहे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने घुटने नहीं टेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन अमृत सरोवर के तहत पिछले 11 महीनों में करीब 40,000 जलाशयों को विकसित करने की उपलब्धि की बुधवार को सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस गति से इस दिशा में काम किया जा रहा है वह नई ऊर्जा का संचार करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 11 महीनों में मिशन के तहत लगभग 40,000 जल निकायों का विकास किया गया है। योजना के तहत लक्ष्य का लगभग 80% प्राप्त कर लिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने सोमवार को हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु में 5 बड़े मंदिरों में गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए तत्काल और परेशानी मुक्त दर्शन सुनिश्चित करने की योजना बनाए। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में HRNC के नियंत्रण में 40,000 से ज्यादा मंदिर है। तमिलनाडु में 5 बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए। रेलवे की तरफ से एसी कोच में सफर करने वालों को चादर, तकिया, तौलिया जैसे जरूरी सामान मिलते हैं, लेकिन रेलवे के नोटिस में आया है कि अक्सर लोग इन चीजों को सफर के बाद घर ले जाते हैं या पूरी तरह से गैर कानूनी है। ट्रेन के सफर में इन सामानों को आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है, ना कि घर ले जाने के लिए। यदि कोई यात्री ऐसा करते हुए पाया जाता है तो रेलवे के नियमानुसार उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 अप्रैल को हैदराबाद यात्रा से बल मिलने की संभावना है। इस दौरान उनके एक जनसभा को संबोधित करने और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य ठहराए जाने पर संसद में बहस करवाने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सदस्यता रद्द करने का फैसला बेहद जल्दबाजी में लिया गया है। अपने समर्थन में उन्होंने पिछले लोकसभा के सदस्य के मामले का हवाला दिया। अधीर रंजन
ने पत्र में कहा है कि संसद में एक बहस होनी चाहिए ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि क्या हमारे नेता राहुल गांधी को असंगत सजा दी गई है। इसमें से संज्ञानात्मक असंगति या कानून की असमानता की बू आती है जो सभी निर्वाचित सदस्यों को मिलती है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर से SBI वी केयर वरिष्ठ नागरिकों के FD कार्यक्रम का विस्तार किया। विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को पहली बार मई 2020 में पेश किया गया था। बार बार संशोधन के बाद इस योजना को अब 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनियों में से एक जॉनसन एंड जॉनसन ने सालों पुराने उन मुकदमों को खत्म करने के लिए मंगलवार को 890 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऑफर दिया, जिसमें ये दावा किया गया था कि इस कंपनी के टैलकम पाउडर से कैंसर हो जाता है। न्यूजर्सी स्थित कंपनी के अनुसार यह प्रस्तावित समझौता है जिस पर अदालत से अनुमोदन लेना होगा। कंपनी का कहना है कि कॉस्मेटिक टैल्क मुकदमेबाजी के चलते पैदा हुए सभी दावों का समान रूप से प्रभावी तरीके से निपटारा कर देगा। देश की पहली रिंग मेट्रो का परिचालन अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। इसके बन जाने के बाद हरियाणा के कुछ इलाकों से दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। रिंग मेट्रो की कुल लंबाई 71 किलोमीटर होगी और इसे दिल्ली के चारों तरफ बनाया जाएगा। ये लगभग हर मेट्रो लाइन से जुड़ेंगी। रिंग मेट्रो का काम दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत किया जा रहा है। हालांकि विभिन्न कारणों से इसका काम करीब 30 महीने की देरी से चल रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पानी भर गया। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां कल शाम हुई भारी बारिश के बाद नल्लूरहल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर और बाहर पानी भर गया। बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के 13.7 किलोमीटर के दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। हाल ही में हुए एक अध्ययन में हिमालय के वृहद क्षेत्र में ग्लेशियरों को रहे अदृश्य नुकसान का पता चला। अध्ययन में कहा गया है कि उपग्रहों के पानी के नीचे होने वाले ग्लेशियर परिवर्तनों को देखने में असमर्थ होने के कारण हिमखंडों को बड़े पैमाने पर पहुंचने नुकसान को 2000 से 2020 तक काफी कम करके आंका गया। अध्ययन की रिपोर्ट नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। संबंधित क्षेत्र से ग्लेशियर गायब होने तथा जल संसाधनों के भविष्य के अनुमानों के लिए यह खोज महत्वपूर्ण हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। विपक्षी दलों की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ मामले में सुनवाई करेगी। इस याचिका में भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को आज देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अपने पिता के बदले पद्म विभूषण पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव भी दरबार हॉल में मौजूद रहेंगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अपने दोस्त रूस का साथ दिया है। भारत ने मंगलवार को रूस की ओर से यूक्रेन में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ साथ 16 और ऐसे देश हैं जो प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुए। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट्स की बढ़ती दुर्घटनाओं और तमाम दूसरे तरह के फाइटर जेट्स में रखरखाव की दिक्कतों को देखते हुए अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भारतीय वायुसेना को इन फाइटर जेट्स के प्रकार की संख्या को कम करने की हिदायत दी है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने भारतीय वायुसेना से फाइटर जेट में रखरखाव और दुर्घटनाओं की दिक्कतों को कम करने के लिए पुराने विमानों की अलग अलग श्रेणियों को कम करने को कहा है। एलन मस्क के एंट्री के बाद ट्विटर में कई बदलाव होने हैं, लेकिन सोमवार को जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सोमवार को एलन मस्क ने ट्विटर वेब के लोगों को डॉजी कॉइन को डोज से रिप्लेस कर दिया। मस्क के ऐसा करते ही लोग डॉजी कॉइन के बारे में सर्च करने लगे और इसकी वैल्यू में तेजी आ गई। साल 2013 में लॉन्च हुई इस क्रिप्टो करेंसी को पॉपुलैरिटी 2021 में मिली। इसका कारण भी एलन मस्क ही है। उन्होंने डॉजी की फोटो के साथ मीम शेयर करना शुरू किया और फिर लोगों की रुचि इसमें बढ़ती चली गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को संविधान निर्माता की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर BR अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने का फैसला किया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अंबेडकर की प्रतिमा एवं नए सचिवालय भवन परिसर के उद्घाटन और अन्य मुद्दों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। मंगलवार को नागपुर में BJP की ओर से आयोजित की गई सावरकर गौरव यात्रा के समापन भाषण में केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी ने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आपकी वजह से हमें सावरकर नाम और उनके काम को एक बार फिर से घर घर में और आज के युवाओं तक पहुंचाने का मौका मिला। आपने जो सावरकर का अपमान किया है, इससे हमें यह मुहिम शुरू करने की पहल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी सरकार द्वारा बनाई गई बढ़ती बाजार सांद्रता के कारण सभी क्षेत्रों में लाभ मार्जिन 2015 में 18% से दोगुना होकर 2021 में 36% हो गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर विरल आचार्य के एक शोध पत्र ने कई क्षेत्रों में एकाधिकार के कारण उच्च लाभ मार्जिन के बारे में चिंता को प्रमाणित किया है। चैट जीपीटी, बिंग एआई और बोर्ड जैसे एआई पावर चैट बॉक्स के सार्वजनिक लॉन्च के बाद लोगों की नौकरी खोने की चिंता बढ़ती जा रही है। इस पर अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि इसमें अडेप्टेशन बहुत होगा और उसके भाग के रूप में हम सभी को कुछ क्षेत्रों में कोर्स कोरेक्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चिंताओं पर स्वीकृति नहीं दी बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव पर ध्यान दिया है। WHO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% वयस्क इनफर्टिलिटी की बीमारी का शिकार है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि विकसित देशों यानी अमीर देशों में यह आंकड़ा 17.8% है और तो वहीं विकासशील देशों यानी गरीब देशों में 16.5% लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कोर्ट में लंबित मामलों के आंकड़ों की जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि देश में वकीलों की कमी के चलते करीब 63 लाख से ज्यादा मामले लंबित है। इस बयान के बाद लोगों ने इस पर चिंता जताई थी और कुछ दिनों तक इसकी खूब चर्चा भी हुई थी। हालांकि भारत में ये समस्या पिछले कई दशकों से चली आ रही है। इसे लेकर अब एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात बताई गई है कि पिछले 10 सालों में जेल में मौजूद कैदियों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, संजय चौधरी, रविशंकर नौसाद, अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, त्रिलोक कुमार, MD साकिर हुसैन और अंशुप्रिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इन दिनों युवाओं में तनाव की स्थिति अधिक देखने को मिल रही है, आपके अनुसार युवाओं में तनाव बनने की क्या वजह हो सकती है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।